बारहवें राजस्थान दिवस के अवसर पर खेल संकुल में मतदाता जागरूकता के तहत रन फॉर वोट मैराथन प्रतियोगिता हुई आयोजित। जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर ने दिखाई झंडी। पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत की कार्रवाई। 10 साल से फरार वांछित स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर के पुरातत्व संग्रहालयों में निःशुल्क रहा प्रवेश। पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय चुनाव घोषणा पत्र समिति का किया गठन। झुंझुनू में कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मनाई गई राजस्थान की 75वीं वर्षगांठ। स्वीप कार्यक्रम के तहत युवाओं को मतदान करने के लिए किया गया जागरूक। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर रहेगी आवश्यक व्यवस्थाएं। स्वीप गतिविधियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश। बारह में जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर ने स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान करने की दिलाई शपथ। लोगों को किया गया जागरूक। चित्तौड़गढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदान जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छात्राओं ने संस्कृत लघु नाटक किया प्रस्तुत। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकबंधु ने जारी किए आदेश। बालोतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश किए जारी। उदयपुर में स्वीप गतिविधियों के तहत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित कर मतदान के लिए किया प्रेरित। छात्र छात्राओं ने मतदान करने के लिए शपथ। उदयपुर के लेक सिटी में शुरू हुआ चर्चा और चिंतन का उत्सव मेवाड़ टॉक फेस्ट। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली गेस्ट हाउस में हो रहा है आयोजन। धौलपुर में विशेष महिला मतदान केंद्रों पर नियुक्त महिला चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। जिला निर्वाचन अधिकारी ने महिला मतदान कर्मियों का बढ़ाया हौसला। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित 2 दिवसीय बुकरू चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल हुआ शुरू। केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत ने किया उद्घाटन। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। डूंगरपुर की सागवाड़ा पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए का सोना किया जब्त।